गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हां बेटा, सृजना ही कांगी अपन रीड कर रहे सी, लास्ट टू पेजेस रह गए हो। ओ करण तो बाद ਤੁਸੀਂ वन मार्क्स क्वेश्चन फेयर नोटबुक ਤੇ ਉਤਾਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 164 ਪੇਜ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਲੋ, ਬੈਠ ਦਿਓ। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਿਜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ बारे ज्यादा सस जानती, मां जानती है, तो फिर बहुत गुस्से ना बोलती है कि जो हो रहा है बाहर दी दुनिया दे विच नहीं हो रहा, ओदे अंदर हो रहा है, क्योंकि एक बच्चे नू जन्म दे रही है, इसलिए जो हो रहा है उस दे अंदर हो रहा है। फिर वो जड़ी कि उसके खिलाफ आवाज उठाती है। सृजना सिर्फ बाहर दी दुनिया दी, पर ए जो कुछ वापर रहा है बाहर दी दुनिया विच नहीं, मेरे अंदर दी दुनिया विच वापर रहा है। जदों दी मेरी कुख अंदर ओ क्रुंबल फुटी है, तुसी सोच भी नहीं सकते मैनू कितना चंगा लग रहा है। मैनू लगता है मैं एक सृजना कर रही हाँ, मेनू अपने औरत होने ते मान महसूस हो रहा है। तो आवाज फिर की कहती, फिर शुरू हो गए भाव की ओदा पति कहंदे कि फिर तू ओही पुरानी गल्लां नू लेके बैठ गई। गल तां सिर्फ इन्नी कु है कि सृजना तेनू आदत ही है हर गल मन ते लगाण दी, इसलिए तू निक्की जिही गल नू मन ते लगा के बैठ गई है। सृजना पर किसी को दुनिया विच आन दा हक खो लेना कि सिर्फ इसे करके कि एक लड़की है बिल्कुल ही गलत है। आवाज पर साड़ी एक लड़की पहला ही है सृजना, बीजी दी टेंशन बिल्कुल जायज है, एनी जायदाद कौन सांभेगा मुड़ के इसनू। मैनू पता है कि सृजना ये ठीक नहीं है, पर यह प्रॉपर्टी कल्चर है। प्रॉपर्टी कल्चर भाव की दुनिया के भी जेड़ा कि समाज सोसाइटी इदा दी है कि सानू जेड़ा कि जमीन जायदाद वाला सांभण वाला चाहिए ही चाहिए है। इस विच इंज ही हुंदा है, जे बीजी जो बीजी कहंदे हन ओवें ही कर लै। मेरी दफ्तर भी जरूरी मीटिंग चल रही है। ए कहंदे आ सारी दी फोन कट दिंदा है मासी रता उदासी नाल। आई गल मैनू पसंद नहीं बीबी राणीए, साडे वेले चंगे सन जदों नाम उदार मशीनां तां नहीं हुंदियां सन। ठीक है, भावें तीन होन भावें पंज होन, ठीक है मजबूरी दे विच धीआं नूं पालना ही पैंदा सी। तेरा घर वाला ही यही कहंदा हुण, चल फिर तैनूं कादा मन ते बोझ जगदी है, जो कहंदा है ठीक ही होना है। सृजना मैं क्यों ना सोचा मासी, मेरे सीने में दिल धड़कदा है जिस विच एक नहीं दो आवाजा आंदियां हन। मैनूं मेरी जुबान आवाजा मारती है अंदरों अंदरी, कोई छूंदा है मैनूं निक्के निक्के हत्थां नाल, फिर किवें मैं उसनूं मार दवा। मासी कुछ ही मिनटा दी गल है ते फिर सब ठीक हो जाएगा। सृजना उच्ची उच्ची रोंदी है, रोन दी आवाज सुन के डॉक्टर अते दोवें नर्सां दौड़ियां आंदियां। ते डॉक्टर की कहंदी एको कि ये काम जेड़ा कि बिल्कुल इत्थे होना ही नहीं। ठीक है, वो कहंदी क्यों नहीं, बस डॉक्टर कहंदी जो तुसीं करवाण आए हो इत्थे हुंदा ही नहीं। बीजी अगो गुस्से नाल की कहंदी कि ये किवें नहीं हो सकता, होना ही है, तुसी करोगे ही करोगे। वो कहंदे इत्थे जद मैं कुछ हुंदा ही नहीं तुसी किवें कर सकदे हो। वो फिर अगो बीजी की कहंदी तैनू ये करना ही पवेगा। फिर अगो बेटा ओदी नो आवाज उठांदी हुई कहंदी कि हां मैं इसनू अपने धीआं नू आपे पालांगी। ठीक है, मैं तुहाडे घरों निकल जांगी, मैं पढ़ी लिखी लड़कियां दे वार खिलाफ आवाज दित्ती। सस की कहंदी कि हां तू घरों निकल जा, तू इथे रह के एक होर धी एक होर पत्थर नू नहीं जम सकती, भाव कि दूसरी धी कि नू कह पत्थर नू। ठीक है, तू इथे रह के एक होर पत्थर नू नहीं जम सकती। यह कह के जेड़ी की है वह कहती है मैं अपनी दोवां धीआं नू आपे पालांगी, मेरी धी पुंगरेगी एक रुख बनेगी, मैं उसनू खुद ही पालांगी। तो कहती तू घरों निकल जा, जेड़ा तू दाज लेके आई सी ना टुटा भज्जा, उस दाज ने नाल तां सिर्फ ड्राइवर का खर्चा या नौकरा चाकरा का खर्चा भी नहीं चलता, तू मेरे घरों निकल जा। जे तू एक होर कुड़ी जमनी है तो मेरे घर रह के वो कुड़ी
नहीं जम सकती ते उसके खिलाफ आवाज उठाती उस तो बाद नाले ही ओदा घर वाला दीप आ जाता है। ठीक है जदों परस चुके ठीक है ओदी नौ सिजना परस चुके तो जान ही लगी होंगी है कि मैं जिहा काम नहीं करना तो उस समय उसका पति दीप आ जाता है ते दीप कहता है कि सॉरी सिजना कि मैं तेरी गल नहीं सुनी जो काम मैनू करना चाहिदा सी ओ काम तेनू करना प्यार भाव कि जिस दे खिलाफ आवाज मैनू उठानी पई तेनू उठानी पई है मैनू इस गल का एहसास हो गया है मैं तेरे कोलो सॉरी मंगदा हाँ मैं बहुत वड्डी गलती कीती। ते ए सुन के सिजना बहुत ही ज्यादा खुश हुई ओदी अखां दे विचों खुशी दी अंजू वहन लग गए कि उसके पति ने भी उसकी गल समझ ली सी। ठीक है ते उस तों बाद ओदी बीजी कहिंदी कि जाओ तुसीं दोवें ही करो निकल जाओ मैं तुहानूं दोवां नूं नहीं रखना। फिर वो अपनी मां नूं भी समझांदा है कि मां जी तुसीं बहुत वड्डी गलती कर रहे हो कुड़ियां नूं भी इस समाज दे विच ओना ही जीण दा हक है जिन्ना कु मुंडिया नूं जीण दा हक है भाव कि इस एकांगी दा अंत जिहड़ा की है एक सुखदायक हुंदा है। ते उहदा पति भी ओहदी गल नूं समझ जांदा है कि वाकई सिजना ठीक कह रही है इस दुनिया दे विच सिर्फ लड़कियां नूं ही नहीं कुड़ियां नूं भी जीण दा पूरा पूरा हक है। इह कह के इत्थे एकांगी खत्म हो जाती है ते डॉक्टर नूं भी बाहरों जिहड़ी कि ठंडी हवा आउंदी महसूस हुंदी है भाव कि उसनूं भी लगता है कि वाकई उहनूं बदलाव जरूर होगा क्योंकि जो नौजवान लड़के ते लड़कियां दोनों ठीक ना केवल लड़कियां सगों लड़के दोनों इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो वाकई असीं समस्या नूं समाज दे विचों खत्म कर सकांगे। ये कह के इत्थे एकांगी खत्म हो जाती है। वन मार्क्स क्वेश्चन लिखो सारे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो सीजना एकांगी फर्स्ट क्वेश्चन लिखो सीजना एकांगी किस दी लिखी हुई है। हाँ वन मार्क एक दो शब्दा विच हरेक लाइन एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन छोड़ते जाना सेकंड क्वेश्चन लिखो सिजना एकांगी विच सिजना केहो जेही औरत है सिजना एकांगी विच सिजना लिख रहे हैं फिर नोट होते केहो जेही औरत है थर्ड क्वेश्चन सिजना केहो जेही औरत है नेक्स्ट लिखो सिजना अपने पति नूं की कह के बुलांदी है सिजना अपने पति नूं गौरव लिखने बेटा की कह के बुलांदी है। नेक्स्ट लिखो सफाई कर्मचारिका नूं सफाई कर्मचारिका नूं लोग की कह के बुलांदे हन सफाई कर्मचारिका नूं लोग की कह के बुलांदे हन सफाई कर्मचारिका नूं लोग की कह के बुलांदे हन। नेक्स्ट देखो बीजी केहो जेही औरत है बीजी बीजी केहो जेही औरत है। नेक्स्ट सिजना दे पहला किन्ने बच्चे हन सिजना दे पहला किन्ने बच्चे हन नेक्स्ट लिखो सिजना दा पति किथे काम करदा है सिजना दा पति किथे काम करदा है। नेक्स्ट सिजना अपने पति नूं
किन्नी बार फोन करती है? दो बार। सीजना अपने पति नू किन्नी बार फोन करती है? नेक्स्ट, एकांगी दे विच किन्नियां नर्सां हन? सिजना एकांगी दे विच किन्नियां नर्सां क्लीनिंग विच काम करदियां हन? दो। सिजना एकांगी दे विच क्लीनिंग विच किन्नियां नर्सां काम करदियां हन? दो। नेक्स्ट लिखो, एकांगी दी शुरुआत विच सब तो पहला कौन आंदा है? हाँ, एकांगी दी शुरुआत विच सब तो पहला कौन आंदा है? नेक्स्ट है, सीजना दी उम्र किन्नी है? 28-29 साल। सीजना की उम्र किन्नी है? मासी दे अनुसार, सॉरी सॉरी, बीजी दे अनुसार, बीजी दे कहन अनुसार उन्हां कोलो किन्नी जायदाद है? 40 किले। बीजी दे कहन दे अनुसार उन्हां कोलो किन्ने किले जमीन है? 40 किले। नेक्स्ट लिखो, बीजी नू अपनी जमीन जायदाद सांभण लई की चाहिदा है? एक वारस लड़का। बीजी नू अपनी जमीन जायदाद सांभण लई की चाहिदा है? वारस जो एक लड़का होवे। नेक्स्ट, सीजना की चुक के क्लीनिक तो बाहर निकलती है? पर्स। सीजना की चुक के क्लीनिक तो बाहर निकलती है? क्लीनिक तो बाहर निकलती है, पर्स। नेक्स्ट है, बीजी सिजना दी अनजम्मी धी नू की कहंदी है? बीजी सिजना दी सिजना कांगी दे विच केड़ी समस्या नू पेश कीता गया है? भ्रूण हत्या। सिजना कांगी विच केड़ी समस्या नू केड़ी समस्या नू पेश कीता गया है? भ्रूण हत्या। नेक्स्ट, फीमेल फोटोसाइट। इसी कांगी दा इसी कांगी दा अंत केहो जिया है? कुछ लिख लिया, क्वेश्चन सुख भरिया या सुखदायक लिख सकते हैं?
ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ, ਇਸੀ ਕਾਂਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸੁਖਦਾਇਕ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਦੀਪ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੀਪ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੀਪ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਤੇ, ਦੀਪ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਲੇ, 40 ਕਿੱਲੇ। ਲਾਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 40 ਕਿੱਲੇ। ਦੀਪ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬੁੱਕ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੁੱਕ ਖੋਲੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਸਕਰਨ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। 40 ਪੂਰੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾਏ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੈਂ। ਸਮਝੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸੂ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਗੌਰਵ, ਬੀਜੀ ਨੇ ਸਿਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਹੋਰ, ਟੂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਬੇਟਾ। 40 ਕਿੱਲੇ ਬੋਲ ਬੇਟਾ, ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਬੋਲ ਬੇਟਾ। 40 ਪੂਰੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾਏ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਬੀਜੀ ਨੇ ਸਿਜਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਵਾਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ,
इस वार्तालाप अनुसार सस किन्नी जायदाद की मालक है? 40 किले जायदाद की मालक है। एक क्वेश्चन ऐड होके आएगा जो आएगा, ठीक है, 40 किले। नेक्स्ट है, सास अपनी नौ तो किस गल की मांग करती है? हाँ बेटा खुशाल बोल दे, रिपीट। सास अपनी नौ तो 40 किले सांभली या जमीन जायदाद सांभली बालक चाहती जो कि एक लड़का होवे, ओ नहीं चाहती कि उसके घर एक होती जमे अती ओ सारी जड़ी जमीन जायदाद नु दाज दे लेखे ला दे। वन लाइन लिखनी, ठीक है। ओ नहीं चाहती कि उसके घर एक होर धी का जन्म होवे ते ओ सारी जमीन जायदाद जिहड़ी कि उसनु दाज दे रूप च दे देवे। नेक्स्ट है, ओह तू इन्नी गल लई मैनू फोन कर दिता, तेनू पता है ऑफिस विच किन्नी जरूरी मीटिंग चल रही है, नाले जे बीजी कह रहे ने तो ठीक ही होना है, तू कर लै जिवें ओह कहिंदे ने। मैं बिजी हाँ इस वेले, ये शब्द किन्ने किन्नू कहे सी? हाँ ये शब्द दीप ने सीजना नू कहे जदों ऑफिस दे विच ओहदी कोई मीटिंग चल रही हुंदी है ते ओह भी अपनी पत्नी दी कोई गल नहीं सुनदा। नेक्स्ट है, कुलदीप अपनी पत्नी सृजना वालों आए फोन तो नाराज क्यों है? हाँ बेटा जिया, वॉइस विचो बेटा, कुलदीप अपनी पत्नी सृजना तो आए फोन तो नाराज क्यों है? हाँ बेटा गौरव, फोन कर। हाँ बेटा कुलदीप अपनी पत्नी सीजन क्यों नाराज है? इसलिए नाराज है क्योंकि उसकी बहुत जरूरी मीटिंग चल रही होती है, दूसरा वो कहता है कि जो उसकी मां कह रही है बीजी कह रही है वो ठीक ही होना है क्योंकि उन्होंने ज्यादा समाज का पता है, इसलिए वो कहते हैं कि जो बीजी कह रहे हैं वो ठीक है, तू मैनू फोन करके परेशान ना कर। नेक्स्ट है, कुलदीप अपनी पत्नी नू बीजी दी केड़ी गल मनने लई आता है स्कैनिंग कराने दे लई? ठीक है, केड़ी गल मनने लई आता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कराने लई कि उहदी कुख दे विच लड़का है या लड़की है, ये गल मनने लई आखदा है। ने लिख देने, दोनों जेड़े मेरी लिख लो, अल्ट्रासाउंड लिख लिया स्कैनिंग, स्कैनिंग कर स्कैनिंग है। नेक्स्ट है, इकली ता मैं सी, इकली मैं सी बीजी हुन ता मेरे नाल मैं हाँ, अपनी कुक ते हाथ रख के मेरी सीजना है, तुसी देखना एक दिन सीजना एक रुख बन के इस धरती ते पुंगरेगी मलेगी ते आसमान तक उच्चा उठेगी, फिर करो तक सीजना कुक भी कतल, कोई भी सीजना कुक भी कतल नहीं होएगी। ये शब्द किसने किसनु कैसी? हाँ सीजना ने अपनी सास नु कैसी जदो भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाती है ते कहंदी है कि मैं अपनी दोनों धीआं नु खुद पा सकती हाँ, ठीक है, ते उन्हां नु पढ़ा लिखा के एक चंगा अफसर बना सकती हाँ। ये शब्द सीजना ने बीजी नु कहे जदों भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाती है, ते कहंदी है कि मैं
ਦੋਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿਜਨਾ ਨੇ ਸਿਜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀ ਧੀ ਲਈ ਜਾਂ ਧੀ ਬੱਚੀ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦੋ, ਬੱਚੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਬੱਚੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿਜਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦਾ ਆਖੋ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਜਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਧੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 2-3 ਦੀ ਲਾਈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਜਸ ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਜੀ ਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦਾ, ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਗੌਰਵ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਰੋਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੇ ਬੇਟਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋ, ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਧੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਥਰਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਗੁੱਸੇਖੋਰ, ਫਿਫਥ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ठीक है, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर लोगे ना बेटा? आप फर्स्ट पॉइंट भी चाहिए लिखांगे कि लड़के लड़की फर्क कर दिए, पुराने विचार है कि उन्हें यह नहीं पता कि अजकल भी कुड़ियां जड़िया की पढ़ लिख गई है कि वह भी लड़कियां नालों घट नहीं हैं। सेकंड इच वही सेम आएगा मुंडे टीवी ओनू सिर्फ की अपनी जायदाद का वारिस चाहिदा है। नेक्स्ट है अपनी गलती अड़ी रहती कि मेनू वारिस ही चाहिदा है, जो मुंडा भी उदा नौ दा साथ दिंदा पर फिर भी अपनी गल ते अड़ी रहती है।